गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन टूडेज पार्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द मकैनिज्म आइसोटॉपिक लेबलिंग आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने मेथड डिस्कस किया था दैट इज द प्रोडक्ट एनालिसिस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, में जाके हमारे पास जो होते हैं उनका हमें बताया था जैसे क्रोमेटोग्राफी करके टीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है नहीं हो गई है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है क्रोमेटोग्राफी से हमने पता लगाया उसके बाद जो बने हुए प्रोडक्ट है उनको हमने सेपरेट आउट कर लिया प्रोडक्ट कौन बने कितने बने उन सारी चीजों का पता लगाने के बाद जो बन गए प्रोडक्ट उनकी स्ट्रक्चर क्या है वो सारी चीजें हम अपने पेपर के ऊपर लिख लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर अब हमें ये पता लगाना होता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन बाय व्हिच दिस प्रोडक्ट आर फॉर्मड जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट आपके बने हैं तो आपके लिए वो जो पहला मेथड था वो था प्रोडक्ट एनालिसिस प्रोडक्ट का हमने पहले पता लगाया उसके बाद हम मैकेनिज्म को डिटरमाइन करते हैं प्रोबेबल मैकेनिज्म का पता लगा लेते हैं वो मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक होता है जिस मैकेनिज्म के थ्रू उन बने हुए सारे प्रोडक्टों के बनने को एक्सप्लेन किया जा सके तो इसी सीरीज के अंदर अब जो नेक्स्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का पता लगा सकते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द आइसोटोपिक लेबलिंग जैसे कि नेम यहां पर रिफ्लेक्ट करता है आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि आइसोटोपिक आइसोटोप्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं दी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हमने अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप देखें तो हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर तो देखो होता है देखो वन हमने लिख दिया आपके सामने बट द जो आपका इनका मास है वो डिफरेंट हो सकता है सो द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर तो मास नंबर अगर हम वन कर दें तो ये प्रोटियम है मास नंबर अगर हम यहाँ पे देखो टू कर दें तो ये ड्यूट्रियम है मास नंबर अगर हम थ्री लिख दें यहाँ पे तो देट इज द जो कि एक भी है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके होते हैं आपके एग्जाम में भी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं तो हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप होते हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम और साथ के साथ और कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें देखो नीचे जो हमने लिखा वन 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 दैट इज द एटोमिक नंबर Which is और जबकि ऊपर जो मास नंबर होता, होता है वो क्या होता है of, बोलो किसका प्रोटोन एंड न्यूट्रोन प्रोटोन्यूट्रॉन का सम ऊपर होता है जैसे सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन प्रोटियम इज वन समोटोन एंड न्यूट्रॉन इन दूट्रियम इज टू एंड द इन टीटियम इज थ्री तो अगर हम उन दोनों का डिफरेंस ले दें जैसे प्रो, प्रोटियम में देखें तो वन माइनस वन जीरो मीन न्यूट्रॉन जीरो है ड्यूट्रियम में देखे टू माइनस वन इजल टू वन न्यूट्रॉन वन है आपके में देख तो, तो वो कौन सा आइसोटॉप है, है, है।, है। फिलहाल हमें इन आइसोटॉप्स को यूज करना है हमारी टेक्निक के अंदर जिसे कहते हैं आइसोटॉपिक लेबलिंग तो आइसोटोपिक लेबलिंग में हम करेंगे क्या काम हम फिर से वही करेंगे देखो क्या कि हमारे पास हम लैब के अंदर जाएंगे सबसे पहले हम रिएक्टेंट ले लेंगे रिएक्टेंट लेके हम रिएक्शन कर देंगे रिएक्शन करने के बाद हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे प्रोडक्ट बन जाएंगे हम उनको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से पता लगा लेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गए बने हुए प्रोडक्टों तो को आइसोलेट करेंगे प्रोडक्टों तो को आइसोलेट करने के बाद उनकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेंगे फिर पेपर के ऊपर हम लिख देंगे कि ये रिएक्टेंट थे ये प्रोडक्ट थे फिर अब हमें ये पता लगाना है कि मकेनिज्म क्या है मकेनिज्म का तो हमने पता लगा ही लिया जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस से था अब दिक्कत यह आ जाती है कि कई बार

हमें पता नहीं चलता तो उस चीज का पता लगाने के लिए तभी ये टेक्निक यूजफुल होती है आपकी आइसोटोपिक लेबलिंग लेबलिंग क्योंकि प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा हम ऐसी चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते हम बॉन्ड क्लीवेज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो जो बॉन्ड क्लीवेज हुई कहां से उस चीज का पता लगाने के लिए जो टेक्निक अब यूज की जाती है आफ्टर द प्रोडक्ट एनालिसिस दैट इज द आइसोटोपिक लेबलिंग तो आइसोटॉपिक जो लेबलिंग होती है इसमें क्या करते हैं हम ले ले हम जैसे हमने ये एग्जांपल लिया आपके सामने कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी एस्टर वाली जो हमारी रिएक्शन होगी जिसमें हम क्या लेंगे ले लेंगे तो जो एस्टर है इसके अंदर आप देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर दैट इज स्ट्रक्चर जो हमने आपके सामने यहां पे ड्रा कर दी है

कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच आप करके देख लेना अभी आपको दिखाएंगे या आप और आर के बीच में क्लीवेज कर दो सेम प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट वही सेम बनेंगे साइड प्रोडक्ट वही सेम निकलेगा तो अब हम क्या करें कैसे पता लगाएं इस 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 चीज चीज का का तो का पता लगाने के लिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया जब हम हाइड्रोलिस करते हैं तो वाटर जो यूज करेंगे उस वाटर को हम रेडियो एक्टिव बना देंगे उसकी जो ऑक्सीजन है उसको हम रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन की फॉर्म में यूज करेंगे तो जैसे हमने देखो हाइड्रोलिस पड़े ध्यान से आप देखें हाइड्रोलिस की तो क्या बन गया ये कार्बो

तो अब क्या होगा नेगेटिव के पास कौन आएगा r o नेगेटिव देखो जो हम साइड प्रोडक्ट दिखाएंगे यहाँ पे प्लस में अगर हम लिख दें ये r ये o और ये h h कौन सा है ये ये वो h है जो वाटर से आया और r c o के आगे o h लग जाएगा देखो ये वाला h तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन गया इसके रिवर्स अगर हो सकता है क्लीवेज देखो ऐसे हुई हो अब देखो दूसरे वाली क्लीवेज हम करके दिखाते हैं आपको क्लीवेज कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ना हो कि अगर क्लीवेज देखो यहां से हो जाए ओ और आर के बीच में से तो क्या होगा ओ के ऊपर देखो नेगेटिव आर के ऊपर देखो पॉजिटिव है तो वाटर का जो

ऑक्सीजन क्या हो गई है यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो गई प्रोटोनेटेड होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जो न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा वो कौन है यहाँ पे वाटर कर रहे हैं तो इसमें क्या है देखो 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 आप ध्यान से देखो, मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाटर वाले के ऊपर स्टार लगा दिया यहाँ पे क्या लगा दिया स्टार स्टार मीनस दैट ऑक्सीजन नाउ बिकम्स रेडियो एक्टिव हमने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ली है यहाँ पे वाटर के अंदर कैसी ऑक्सीजन ली है रेडियो एक्टिव अब ये जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है अब ये क्या करेगी अब देखो अब ये डोनेट करेगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कब करेगी पहले जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना था उसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसने क्या किया देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे ओ और एच के देखो ये वन इलेक्ट्रॉन ये सेकंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो चुकी है दोनों इलेक्ट्रॉन देखो उसने अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया ऐसा करने से क्या हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा अब देखो उसके ऊपर देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही साथ हमने ले लिया, तो इसने अपने देखो लोन पेयर डोनेट कर दिया उस कार्बन की तरफ डोनेट करते ही साथ अब क्या होगा उसके देखो पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच रेडियक्टिव ऑक्सीजन की कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन गया ताकि टिव ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए तो ये क्या करेगा यह रेडियक्टिव ऑक्सीजन ओ और एच के बॉन्ड के जो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उसको अपनी तरफ कर लिया तो अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और यहाँ से एच पॉजिटिव अब लॉस हो गया क्या लॉस हो गया यहाँ से एच पॉजिटिव और क्या बन गए आपके फाइनली आपके देखो आर सी के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ था रेडियक्टिव हमने ऊपर की साइड में शो कर दिया है जो ये देखो एक ग्रुप था ओ OH एच वाला OH. रेडिएक्टिव ऑक्सीजन ये ओ एच आपके लग गया एक कौन लगा हुआ था ओ आर और जो पहले से ओ एच था वहां पे वो हमने नीचे की डायरेक्शन में शो कर दिया अब लास्ट स्टेप में क्या होगा दोबारा से जब हमारी रिएक्शन चली क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो जो आपका ओ आर ग्रुप लगा हुआ था ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर थे ओ आर ग्रुप वाले क्योंकि इट इज ए मच मोर इजी लिविंग ग्रुप तो अब क्या हुआ इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और साथ के साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अब्सट्रैक्ट कर लिया मीनस एल्कोहल निकल गया क्या निकल गया बोलो एल्कोहल ऐसा करने से क्या होगा कि जो एल्कोहल देखो यहाँ से जब निकलेगा देखो माइनस आर ओ एच देखो आर ओ एच निकल गया साइमल्टेनियसली ये कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा ताकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना हो तो जो ऑक्सीजन है उसके और हाइड्रोजन के बीच में से जो बॉन्ड था उस दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की तरफ ताकि डबल बॉन्ड आ जाए और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए ओवरऑल आपने क्या देखा कि एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट देखो बना एल्कोहल के अंदर आपने देखा कि रेडीएक्टिव ऑक्सीजन नहीं आई क्या है एल्कोहल के अंदर रेडिएक्टिव ऑक्सीजन नहीं आई प्रोडक्ट जो बना कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या आ गई रेडिएक्टिव ऑक्सीजन तो रेडिएक्टिव ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मिल गई अल्कोहल बन गया फिर आप कहेंगे कि इस चीज का देखो पता कैसे चला कि रेडिएक्टिव ऑक्सीजन आई किसमें फिर से हम आपको बता दें कि जब ये मैकेनिज्म हमने लिखा और जिसमें ये प्रूव किया कि इस तरह से आपका

एक्टिविटी का पता लगाने के लिए जीजर मूलर काउंटर को यूज किया जीजर मूलर काउंटर इज ए इंस्ट्रूमेंट उससे इलेक्ट्रोड जब हमने उस कंटेनर में डाली एक बार उस रोड को किस में डाला हमने उस बीकर में जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है जब हमने सेपरेट कर लिया देखा उसमें आपकी डिफ्लेक्शन आ गई डिफ्लेक्शन मीन्स रेडियो एक्टिविटी है उस कंपाउंड के अंदर फिर रोड को हमने बाहर निकाला उसको वॉश आउट किया उसके बाद

चीज पता करने के बाद कि आई, फिर यह मैकेनिज्म देखा गया फिर यह है? तो तो है जब ये जो हमने लिखा है ये रिएक्शन ऐसे ही चली हो मीन फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ होगा आपके जो एच पॉजिटिव है वो एसिड से कैटलिस्ट से आए उसके बाद जो रेडियो जो ऑक्सीजन है वाटर वाली जो ऑक्सीजन है उसने नया बोन्ड अपना बना लिया

मीनस आपके हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो इस स्टेप से ओ एच आ गया हो एल्कोहल के अंदर से देखो ऐसे एच आ जाए आपका देखो तब भी वाटर लॉस हो सकता है इसे रिवर्स भी तो हो सकता है काम कि ऐसा हो गया हो कि आपके जो एल्कोहल है उसके अंदर से आपका एच आया हो देखो इस स्टेप से और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से क्या आ गया था ओ एच इसे रिवर्स की कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से एच आया हो और एल्कोहल के अंदर से क्या आ गया आपका ओ एच एल्कोहल के अंदर से क्या आ गया आपका ओ एच तो वाटर तो कैसे भी लॉस हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है लेकिन करेक्ट हुआ वास्तविकता में cleavage कहां से हुआ होगा उस चीज का पता लगाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो ये रिएक्शन चली इस रिएक्शन के दौरान हम किसी एक एटम को रेडियो बनाएंगे रेडियक्टिव किसको बनाए रेडियो हम इंड्यूस करेंगे ऑक्सीजन में कौन सी ऑक्सीजन की कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दो 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 ऑक्सीजन है के, के अंदर क्या है दो दो ऑक्सीजन तो हम उस ऑक्सीजन को बनाएंगे उस कंपाउंड के अंदर करेंगे जिसमें एक ही ऑक्सीजन थी वो तो एल्कोहल है तो बस पहले देखो हम प्रोडक्ट लिख देते हैं कि एक प्रोडक्ट तो क्या बना क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा और उसके बाद आपके क्या बन गए बोलो ये ईस्टर्स बन गए इथाइल इथेनोइट इसका नाम है इथाइल क्यों क्योंकि ओ के आगे जो ये आर ग्रुप लगा हुआ है इथाइल

वाला जो कार्बन की जो ऑक्सीजन है उसने अपने लोन पे डोनेट कर दिए फाइनली लॉस यहीं से होना है तो इसलिए हमने डायरेक्ट आपको यहां से बता दिया ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट की ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे कोई एक लोन पेयर इसलिए डोनेट किया नाउ द ऑक्सीजन बिकम प्रोटोनेटेड बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ द ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ द CO बॉन्ड नाउ बिकम्स फिकर ये विकर हो जाएगा ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से तो ऑक्सीजन क्या करेगा ऑक्सीजन सीओ बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा वाटर का लॉस हो जाएगा अब क्या बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एसाइलियम आयन आपका बन गया एसाइलियम आयन जो बना आप सेकेंड मोलिक्यूल यहाँ से कौन आया आपका एल्कोहल एल्कोहल हमने रेडीएक्टिव ले रखा है को हमने क्या लिया हमें नहीं पता कि ये मैकेनिज्म ऐसा है हम आपको शो कर रहे हैं कि जब हम ऑक्सीजन को रेडिएक्टिव लेते हैं कौन सी ऑक्सीजन को एल्कोल वाली को तो ये हमने मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाया है जिससे हम प्रूव करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है किसके अंदर रेडिएक्टिविटी आती है अगर मैकेनिज्म ऐसे चले तो तो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो कार्बन है जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है अब जो ऑक्सीजन है रेडिएक्टिव ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास भी दो दो लोन पेयर है एक लोन पेयर को हमने शो किया तो एल्कोहल वाली ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर है एल्कोहलिक रेडी एक्टिव ऑक्सीजन नाउ एक्वायर दॉ अब देखो इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया हमने देखो कैसे शो किया ये कार्बोन ग्रुप तो देखो वही है देखो बिल्कुल सेम जो ऊपर हमने ले रखा था ये साइल जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप वही है इस कार्बोनिल ग्रुप ने देखो नया बॉन्ड बना लिया यहाँ पे रेडियक्टिव ऑक्सीजन के साथ देखो ओ के ऊपर हमने स्टार लगाया रेडियक्टिव ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपने लोन पे डोनेट किए हैं

के ऊपर एक एच था जो नीचे की तरफ हमने एच दिखा दिया आगे देखो ये ग्रुप था देखो ये वाला इथाइल ग्रुप ये हमने यहां पे इथाइल ग्रुप शो कर दिया तो आपको अब पता चल गया होगा ये स्ट्रक्चर हमारी बन गई अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव पोस्टीचार्ज अब ऑक्सीजन क्या करे ऑक्सीजन जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हो चुकी है पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उसने अपसेट कर लिए एच पॉजिटिव फिर से लॉस हुआ और आपके फाइनली ईस्टर्स बन गए क्या बन गए आपके ईस्टर अब ईस्टर के अंदर क्या है रेडियो एक्टिविटी है अब हम बताते हैं कि हमने लेबोरेटरी के अंदर अब किया क्या ध्यान दें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास था हमारे पास अल्कोहल भी है अल्कोहल रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाली अल्कोहल है दोनों को हमने मिक्स कर दिया रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई अंडर द रिक्वायर्ड कंडीशन उसके बाद जब रिएक्शन चली क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से पेपर टीएलसी की हेल्प से हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का पता लगाते रहे और उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस के बाद जब रिएक्शन एंड हो गई जब रिएक्शन एंड हो गई रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हमने क्या किया बने हुए प्रोडक्टों को हमने सेपरेट किया एक तो आपके ईस्टर बने दूसरा वाटर उनको हमने आइसोलेट कर लिया सेपरेट आउट कर लिया सेपरेट आउट करने के बाद नाउ इन वन ऑफ दंटेनर वीव दस्टर हमारे पास इथाइल इथेनोएट है और दूसरे कंटेनर के अंदर वाटर है अलग अलग हम कर चुके हैं मिक्सअप नहीं है अब पहले हमें मिक्सअप करना ही पड़ेगा मिक आपके मिक्स सॉरी मिक्सअप था आपका प्रोडक्ट जो बना था उसमें तो मिक्सचर था हमें उनको आइसोलेट करना पड़ेगा सेपरेट करना ही पड़ेगा सेपरेट करने के बाद अलग अलग कंटेनर में हमारे पास एक कंटेनर में इथाइल आ गया दूसरे कंटेनर में वाटर है फिर जीजर मोलर काउंटर इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करेंगे जैसे पिछले आपका जो हमने लिया था एग्जाम्पल उसमें भी हमने आपको बताया था जिजर मोलर काउंटर की इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया पहले किस कंटेनर के अंदर जिसमें इथाइल इथेनोएट है जैसे ही इलेक्ट्रोड को उसमें डिप किया उसमें डिफ्लेक्शन आ गई बोलो क्या आ गई उसमें डिफ्लेक्शन इट मींस क्या है कि आपके जो एस्टर थे उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है फिर हमने वॉश आउट किया आपके इलेक्ट्रोड को जो रॉड थी जिजर मोलर काउंटर किया अब उसको डिप किया बोलो किसके अंदर उसको डिप किया अब वाटर वाले कंटेनर के अंदर उसमें डिप किया तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई तो उसे क्या पता चला उसे ये पता चला कि आपके जो इस्ट थे उसके अंदर रेडियो ऑक्सीजन है तो एक्टिव ऑक्सीजन कैसे आई होगी अब आप अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली रिएक्शन को देखिए मैकेनिज्म से पहले जो हमने लिखा था रेडियक्टिव ऑक्सीजन कैसे आ सकती है वाटर के अंदर नहीं है तो देखो मैं ऊपर स्टार लगा रहा हूँ जो रिएक्शन हमने लिखी है वायलेट कलर से जो हमने पिंक कलर से हमने को लिख रखा देखो ऑक्सीजन के ऊपर देखो देखो मैंने स्टार लगा दिया। देखो, ये स्टार लगा लगा दिया दिया ये रेड ना ऊपर अब हमें स्टार लगाने के बाद अब वाटर निकालो वाटर में रेडियक्टिविटी नहीं आनी चाहिए देखो कैसे नहीं आएगी रेडियक्टिविटी के एल्कोहल के अंदर से तो सिर्फ देखो एच निकला होगा एच वाटर निकलने के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से ओ एच आया होगा यानी वाटर ऐसे बना होगा तभी तो वाटर के अंदर रेडियक्टिविटी नहीं आई तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कैसे प्रूव किया पहले प्रोडक्ट जो बने थे उन प्रोडक्टों को हमने ध्यान रखा कि और उनको सेपरेट किया और उनके अंदर रेडियक्टिविटी डिटरमाइन की कि रेडियक्टिविटी किसके अंदर आई फिर तभी तो अब मैं आपको ये बता पाया कि आपकी वाटर कैसे लॉस हुआ होगा अल्कोहल के अंदर से आपका एच आया और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से ओ एच आया और इस तरह से वाटर लॉस हो गया तो दैट इज द टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोपिक लेवलिंग टेक्निक जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि फ्रॉम वेयर एक्चुअली द क्लिवेज टेक्स प्लेस इन द रिएक्टेंट्स कौन से बोर्ड का क्लिवेज वास्तविकता में हुआ था तो इसी बेसिस के ऊपर एक चीज और बता दें स्टेरीफिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया आपने देखा कि पहली स्टेप के अंदर तो देखो आपके देखो, यहां पे एच देखो, आपका क्या हुआ था अमाउंट ऑफ द एच पॉजिटिव एंड रिमेन सेम आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन सो हेयर द एच पॉजिटिव एन एक्ट एज दिस्ट इसलिए का काम है और जो टेक्निक है एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये पता लगा लें कि स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है एल्कोहल की उसमें क्लीवेज होता है तो आप आंसर क्या लिखेंगे आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक या आइसोटोपिक लेवलिंग टेक्निक कोई भी नाम लिखा आ सकता है इसमें रेडियो एक्टिविटी हमने किस में इंड्यूस की तो बोलो किसमें की रेडियो एक्टिविटी इज एक्टिविटीड इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ द एल्कोहल के अंदर की जिससे हमें क्या पता चला था बोलो जिससे हमें यह पता चला कि जो सी ओ एच बॉन्ड क्लीवेज हुआ है किसके अंदर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से देखो ऊपर से फिर दिखाई बॉन्ड क्लीवेज हुआ है सी ओ एच बॉन्ड क्लीवेज हुआ है

जो ट्रांसफर है वो हाइड्रोजन एटम का होता है फ्रॉम वन तो क्योंकि कैनिजेरो रिएक्शन एक ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपके एक ऐसा एल्डिहाइड हम लेते हैं जिसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होता जिसके अंदर एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता जैसे हम एग्जांपल के तौर पे जिसमें ले लिया बेन्जेलहाइड या हम ले लेते हैं मिथेनल हम ले सकते हैं हम मिथेनल भी ले ले सकते हैं यहाँ पे हम पेंजिलडीहेड भी ले सकते हैं हमें एक ऐसा एलडी लेना है जिसके अंदर एल्फाहाइडोजेटम ना हो अल्फा हाइड्रोजेटम का मतलब क्या होता है देखो जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप देखो मैंने ड्रा कर दिया इसे जो अगला कार्बन होता है वो एल्फा होता है मान लीजिए हम एल्फा कार्बन ही ना ले एल्फा कार्बन के ऊपर जो एच होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं ये जो पहला कार्बन है ये कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर ही हमने दो एच लगा दिए क्या कोई नेक्स्ट कार्बन था है ही नहीं अगर हम ऐसा कर दें देखो सी डबल बॉन्ड ओ और इसके अंदर हम क्या कर दें यहाँ पे कार्बन भी लगा दें लेकिन अब हम क्या करें ये जो कार्बन थे इनके आगे फर्दर अगर हम इस टाइप से सीसी लगा दें इसके ऊपर भी फर्दर इस टाइप से हमने सी सी लगा दिया ये कीटोन हमने ले लिया इसके अंदर भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई एच नहीं है

किसी एक जगह के ऊपर देखो मैंने कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया क्योंकि कार्बन के देखो थ्री बॉन्ड थे वन टू थ्री अब फोर्थ बॉन्ड बना दिया यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है देखो सी डबल बॉन्ड ओ और एच एलडीहाइड ग्रुप लगा दिया इसे बेंजलडीहाइड कहते हैं इसमें देखे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अगला कार्बन देखो ये एल्फा है इस एल्फा के बॉन्ड देखो क्या कोई एच नो इस कार्बन एल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड देखो एक तो इधर दो बॉन्ड देखो इधर राइट साइड में दो बॉन्ड

प्रोटियम को सिंपल एच से दिखाते हैं ड्यूट्रियम को डी से ट्रीटियम को कैपिटल टी से हम शो कर देंगे तो हमने ये ले लिया और ये लेने के बाद अब देखो हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलती है तो ओ एच नेगेटिव अब इसने क्या किया नेगेटिव OH सबसे पहले बोलो कहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज कहां पे करेगी अटैक अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि खुद ये न्यूक्लियोफाइल का, का काम कर रहा है तो एनी स्पीसीज एनी स्पीसी विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफाइल और अगर वो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी इट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी एटम अदर देन एच एटम अब इसने क्या नेगेटिव OH ने इलेक्ट्रॉन क्या एच को डोनेट किए नो एच no, को देता तो ये नेगेटिव OH यहाँ पे बेस कहलाता अब ये बेस नहीं है ये न्यूक्लियोफाइल का, का काम कर रहा है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दी है जो की एच नहीं है जो की कार्बन है यहाँ पे सो इट इट इज एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल तो अब इसने कार्बन पे अटैक किया कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए एक बॉन्ड टूटेगा जरूर क्योंकि कार्बन अपनी नॉर्मल वैलेंसी फोर रखना चाहेगा टूटेगा वही जो वीक बॉन्ड वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ है सी और सीओरओ के बीच में जहां पे डबल बॉन्ड है

एंड ऑन so जो भी उसका काउंटर आएन था वो नेगेटिव के साथ हमेशा ही मूव करता रहता है कंटेनर के अंदर सोल्यूशन के अंदर वो हमेशा साथ रहता है वो अंडरस्टूड सी बात होती है

और वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन था उसके दोबारा से पांच बॉन्ड हो गए वैलेंसी को नॉर्मल करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होंगे तो देखो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया बोलो ये कौन सा बना है प्रोडक्ट ध्यान से देखो देखो ये जो हमने ले रखा था यहाँ पे देखो ये फिनाइल ग्रुप देखो ये फिनाइल ग्रुप है सच हम जो शो कर रहे हैं क्लियर हो गया इसके ऊपर कौन लगा हुआ था बोलो सी के ऊपर एक डी देखो ये पहले से ड्यूट्रियम था दूसरे ड्यूट्रियम ने देखो अभी अभी ये बॉन्ड बनाया था देखो मैंने दो डॉट से दिखा दिए और आगे क्या हो गया दोनों बताया था आपको, जो बेस हमने लिया एन एच लिया है तो एन पॉजिटिव आएगा के एच लेते तो के पॉजिटिव आ जाता था एक तो आपका ये बन गया दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल और दूसरा बोलो कौन बनेगा जो स्पीसी थी आपके ऊपर बोलो कौन जो ये फिनाइल ग्रुप था देखो ऊपर वाला ये फिनाइल और दूसरा कौन आगे कार्बन कार्बन सीओर के बीच में देखो ये डबल बॉन्ड बन गया था और आगे ये OH आपका एस है दैट इज द एक तो आपका कौन बन गया बेंजोइक एसिड बन गया और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल बेनजल बना तो आप ये देखें इसके अंदर जो आपका था वो कहां पे प्रेजेंट है क्या बेंजोइक एसिड के अंदर प्रेजेंट है नो no. वो किसके अंदर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है बोलो किसके अंदर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल एल्कोहल के अंदर मींस क्वेश्चन ये आया यहाँ पे कि जो आपका एच है क्योंकि मीडियम के अंदर वाटर तो होता ही है वाटर तो होता ही है मीडियम के अंदर तो यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये डी आया डी ये डी कहां से आया है येड एक बेन्जिलडीह के मोलिक्यूल से दूसरे बेनजिलडीहूल के अंदर ट्रांसफर हुआ है क्योंकि हमने जो ड्यूटरेटेडीहड लिया है तो मीन अगर आपका ये एच वाटर से आना होता बोलो कहां से आना होता वाटर से तो जो आपका ये बना है बोलो कौन बना है ये जो बेंजाइल एलकोल बना है उसके अंदर ड्यूट्रियम नहीं मिलता क्योंकि सिंपल वाटर था हमारे कंटेनर में तो तो आपके ये ड्यूट्रेटेड नहीं मिलता हमें

तो उसी से ये प्रूव हुआ है कि जो एच आया है वो आपका वाटर से नहीं वो आपका एक साथ के साथ एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें जो फाइनली आपकी रीअरेंजमेंट होनी होती है जब एक्चुअल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या आप ये बताए आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एलकोल विच इज मोर एसिडिक सभी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक

और जो एच पॉजिटिव है वो किसके पास चला जाएगा यहाँ पे एल्कोहल के पास मीन फाइनल जो प्रोडक्ट बनते हैं वास्तविकता में वो एक तो बेंजाइल एल्कोहल बनेगा और दूसरा बनेगा सोडियम सोल्ट और एसिड रीजन मैंने बता दिया एसिड तो ही सोल्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका बेन्जोलो वो एल्कोहलिक फॉर्म में ही रहेगा वो सोल्ट फॉर्म में नहीं होगा फाइनल जब हम प्रोडक्ट को देखेंगे उस

फ्रॉम कहां से मतलब वाटर से नहीं आया होगा तो जो transfer है deuterium का वो कह, कैसे हुआ है there इज अ ट्रांसफर ऑफ द ड्यूट्रियम फ्रॉम द carbonyl ग्रुप ऑफ वन molecule टू द अदर ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उसके बाद फर्दर जो mechanism इसको कैसे स्पोर्ट किया गया देखो हम हम इसको रिवर्स करते हैं अब की बार हम क्या करेंगे अपने मैकेनिज्म के दौरान वही देखो हमने सिंपल ले लिया हमने ड्यूटरेटेड बेंजेलडी हेड नहीं लिया हम जो वाटर है जो वाटर लेंगे हम इस रिएक्शन के दौरान मीडियम के अंदर वो ड्यूटरेटेड ले लिया हमने वो कौन ले लिया बोले ड्यूटरेटेड ले लिया हमने रिएक्शन फिर से शुरू की अब ड्यूटरेटेड वाटर है उसके अंदर से क्या आया बोलो आपका ओ एच नेगेटिव देखो आपका आ गया देखो ध्यान देखे ओ एच नेगेटिव जो अटैक करता है हमने ये देखा कि क्या पता जो वाटर हम लेते हैं जो अटैक होता है ओ एच नेगेटिव का वो आपका जो एन एच है वो भी हो सकता है वाटर का भी हो सकता है क्योंकि दोनों ओ एच नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट है आपके मीडियम के अंदर तो अब क्या हुआ देखो यहाँ पे हमने ड्यूटरेटेड वाटर लिया आपका एनओ एच भी है

आयन की देखो ट्रांसफर होगी जो एच नेगेटिव है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर दूसरे बेंजिल डिहाइड के तो दूसरा जो बेंडी है बेंजिल डिहाइड है उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है हाइड्राइड आयन का देखो शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अपनी तरफ ये शिफ्ट कर लिए ओ नेगेटिव के पास आपका पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा इस स्टेप से इसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा देखो आपका प्रोडक्ट एक तो ये बन गया बेंजोइक एसिड का सॉल्ट कैसे बना आप ऊपर से देख सकते हैं ये फिनाइल ग्रुप था देखो एसएच है O और कार्बन के बीच देखो ये डबल बन गया और बेंजाइल एल्कोहल मीन्स फिर हमने जीजर मुलर काउंटर की हेल्प से दोनों चीजों को अलग किया ये देखा एक में बेंजोइक एसिड है दूसरे में बेंजाइल एल्कोहल है हमें ये प्रूव करना था कि जो बेंजाइल एल्कोहल बना है उसमें एच कहां से आया क्योंकि जो बेंजल है, बेंजल, एक बेनजलहाइड मोलिक्यूल की रिडक्शन हुई है उसमें एच लगे हैं एच कहां से आए वो वाटर से आए या एक दूसरे बेंजिलडीहाइड के मोलिक्यूल से आए हमने ये देखा कि जो जब हमने सेपरेट आउट किया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दोनों प्रोडक्टों को एक तो बेंजोइक एसिड को और दूसरा एल्कोहल को दोनों को सेपरेट करने के बाद ये पाया गया जिजर की मशीन को इंस्ट्रूमेंट को जब हमने यूज किया तो जब हमने बेजेल एलकोल के अंदर उसके इलेक्ट्रोड को डिप किया तो देखा उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई इट मीन बेन्जेल एलकोल के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है लेकिन बेंजोइक एसिड के अंदर डिप किया तो उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई तो उसे क्या प्रूव हुआ

तो ये था हमारा दूसरा मैकेनिज्म जिसके बेसिस के ऊपर हमने कैनी जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को एक्जेक्टली exactly हम एक्सप्लेन कर पाए उसमें ये देख पाए कि जो क्लीवेज है कहां से हुआ ट्रांसफर एच का कहा से हुआ वाटर से हुआ या बेंजेलहाइड के अंदर से हुआ है इसके बाद नेक्स्ट हम और रिएक्शन लेते हैं अपनी आइसोटोपिक लेवलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये रिएक्शन वैसे हमने पहले भी ली थी हमने प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा वो क्या वहां पे हमने रेडियो शब्द को यूज नहीं किया था

कौन से ortho position के ऊपर जो H है उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए डोनेट करने के बाद क्या हुआ जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे C और H के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो किस धर चले गए उसी कार्बन की तरफ देखो रह गए कार्बनायन बन जाएगा लेकिन एक चीज हमने ध्यान रखनी है यहाँ पे वो क्या कि ऐसा क्लोरोबेंजीन हमने लेना है कि जिसमें वो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है उस कार्बन को हमें रिएक्टिव बनाना है कि आप ध्यान रखिए प्रोसेस होती है ये बड़ा टीडीएस वर्क होता है ये काम इतना नहीं होता कि मैंने उसके स्टार लगा दिया और वो बन गया। तो आपने देखा होगा कार्बन दे जिसके ऊपर सीएल है कार्बनएक्टिव नोट द्बन क्योंकि और कार्बन को रेडिएक्टिव नहीं बनने देना सिर्फ उसी को बनाना है तो ये एक बड़ा टीडीएस वर्क होता है ये काम इतना नहीं होता लेकिन जैसे भी करके किया उसको रेडिएक्टिव बना दिया गया उसके बाद हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद देखो हमने क्या किया और कार्बन और एच के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ओर्थो कार्बन के ऊपर चले गए और अमोनिया लॉस हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन है ये और ये कार्बेइन जनरेट हो गया कार्बेन आयन दोबारा से एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल स्पीसी है बनेगी एकदम टूट जाएगी मीन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दोनों इलेक्ट्रॉन है इज प्रेजेंट तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा दोबारा से एलिमिनेशन होगी नेगेटिव आयन का लॉस हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन है स्पीसी जो बनी एक ऐसी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया ऐसी स्पीसी को हम कहते हैं अब ये बेनजाइन बन गया बेंजाइन को हम दो बार लिखेंगे क्योंकि इसमें अब दो पॉसिबिलिटी होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन है देखो दो बार हमने लिख दिया अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम क्या करेंगे अब नेगेटिव का अटैक होगा जो हमने NANH2 लिया था अब वो अटैक कहाँ पे करे अब वो अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो अनस्टेबल स्पीसी है ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों में से किसी भी कार्बन पे ही तो अटैक कर सकता है एनएसू नेगेटिव तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हुई कि हमने एन एन एस्टूलिया तो उस कार्बन के ऊपर मान लीजिए अटैक कर दिया जिसके ऊपर रेडिएक्टिविटी नहीं है एज्यूम करके हम चलेंगे अपने मैकेनिज्म के अंदर तो इसके ऊपर जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या हुआ कि आपके कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए दोनों शिफ्ट होंगे दूसरे कार्बन की तरफ जिसके ऊपर रेडिएटिटी है मीन्स कार्बेनाइन बन गया दोबारा से बोलो कौन बन जाएगा अगली जो स्पीसी बनी दैट इज द कार्बेनाइन कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज अब अगली स्टेप में क्या होता है हमारे पास लिक्विड अमोनिया भी है लिक्विड अमोनिया के अंदर ये एडिशन रिएक्शन थी एन एस टू का एड हो गया तो एडिशन स्टेप है ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लिक्विड अमोनिया है लिक्विड अमोनिया में जो पोलर बॉन्ड है एन और एच के बीच का तो ये जो कार्बन एन दोबारा से बन गया है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि यहाँ पे अब बेस का काम करेगा क्यों करेगा बेस का काम क्योंकि अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को किसको दे रहा है एच को देखो एच को तो एन और एच के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन एन की तरफ लॉस हो गया एन एस टू नेगेटिव दोबारा से आपका रिलीज हो गया यहाँ पे तो इस टाइप से फाइनल प्रोडक्ट बन गया एनिलीन बन गया ये एक ऐसा एनिलीन बना जिसमें एन एस ग्रुप उस कार्बन के ऊपर नहीं लगा जिसके ऊपर रेडियक्टिविटी है उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी एडिशन स्टेप थी अब जो दूसरा बैन बना दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस पर्टिकुलर स्टेप में, पहली स्टेप में किस का का काम कर रहा था एच को दिए थे तो वहां पर वो बेस का, का काम कर रहा था यहाँ पे किस चीज का काम करेगा एनएस टू नेगेटिव क्योंकि कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा रेडिएटिव कार्बन के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया तो ये यहाँ पे न्यूक्लियो फाइल का काम करेगा क्योंकि अब कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा एक दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए एडजेसेंट कार्बन की तरफ और इस टाइप से जो नेक्स्ट बनी बन बन कि लिक्विड है जो कि एनएच बॉन्ड पोलर है एच के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज तो उस एच को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एनएच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे रिलीज हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन गया दोबारा से एनिलीन मीनस हमारे पास दो प्रोडक्ट बने दो प्रोडक्ट बने कैसे पता चले दिखने में तो देखो दोनों एक जैसे दोनों का नाम क्या एनिलीन क्योंकि एक बेनजी रिंग है दोनों में जो एक प्रोडक्ट बना ये पहले वाला जिसके अंदर क्या है NH2 देखो पे 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 लगा हुआ? पे लगा हुआ हुआ है 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 उस कार्बन जिस नहीं दूसरा जो प्रोडक्ट बना उसमें आप देखे, जो एनिलीन बना NH2 किस पे लगा उस कार्बन के ऊपर लगा जिस पे रेडिएक्टिविटी है इस चीज को कैसे एनालाइज किया जा सकता है इस चीज को एनालाइज सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर इंटरमीडिएट बेंजेन बना हो तभी ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं मीन्स एक प्रोडक्ट ऐसा

देखो हमने ये ले लिया देखो यहाँ नेगेटिव अगर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये चलती तो देखो कार्बन रेडियो कार्बन देखो उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज CL के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज ये टू अटैक करता देखो इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर सीएल अटैच है सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे रिलीज हो जाती एक ही प्रोडक्ट बनता बोलो कौन बनता आपका वो प्रोडक्ट बनता जिसमें रेडीएक्टिव कार्बन के ऊपर एनएस टू लग गया बोलो क्या प्रोडक्ट बनता सिर्फ ये प्रोडक्ट जिसमें हमने क्या किया रिंग ये टू लग गया और किस कार्बन के ऊपर लगा जिस कार्बन के ऊपर देखो मैंने ये स्टार लगा दिया मीन सिर्फ एक ही इस प्रोडक्ट के बनने को हम एक्सप्लेन कर सकते थे बाय द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन लेकिन एक नहीं दो प्रोडक्ट बनते हैं एक वो भी बनता है जिसमें एन एस टू ग्रुप रेडिएक्टिव कार्बन पे नहीं लगता वो प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें रेडिएक्टिव कार्बन के ऊपर एन एस टू ग्रुप जाके लगता है इसके बनने को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बनने को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द द फॉर्मेशन ऑफ जरूर बना होगा और इसके बनने को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम वो रिएक्टेंट लेके जो हमने प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान लिया था मीन्स कैसा ले ले रिएक्टेंट कैसा ले ले एक ऐसा रिएक्टेंट ले लो सिंपल क्लोरोबेंजीन मतलब हम क्या ले लें इस बात को फर्दर प्रूव करने के लिए हम बता रहे हैं इस बात को कोई आपसे पूछे फर्दर प्रूव करे इसको कैसे करें तो हम पैराक्लोरोटोलविन ले लेंगे बोलो रिएक्टेंट हम कौन ले लेंगे पैराक्लोरोटोलविन तो जब पैराक्लोरोटोलविन हम ले लेंगे वहां पे तो उससे क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर किया था क्योंकि वास्तविकता में वहां पे दो ही प्रोडक्ट बनेंगे एक तो बनेगा मेटा कौन बनेगा मेटा एनिलिडीन और एक बनेगा पैरा एनिलिडीन दो प्रोडक्ट अलग अलग ही बन जाएंगे उनको अलग अलग आइसोलेट कर लेंगे यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना है

फरदर आपके सीएल नेगेटिव का देखो लॉस हुआ आपका बेंजीन बन गया इसको हम दो बार लिखेंगे फिर एन एस का देखो अटैक हुआ जैसे हमने पीछे प्रोडक्ट एनालिसिस में बताया भी था एन एस नेगेटिव ने एक बार अटैक किया उस कार्बन के ऊपर बेंजीन के उस कार्बन के ऊपर जिस पे रिडक्टिविटी नहीं है आपके देखो कार्बनायन बना फरदर एन एस का इसके साथ अटैक हुआ कार्बनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन एच को दिए

आइसोलेट कर लिया सेपरेट आउट कर लिया बिल्कुल एट द द एंड ऑफ रिएक्शन, और सेपरेट आउट करने के बाद हमने देखा कि दो प्रोडक्ट बने हैं जो दो प्रोडक्ट बने हैं तो दो प्रोडक्टों का बनना इनमें से एक कार्बन के ऊपर क्या आ गया एन एस टू अटैच है रिडक्टिव कार्बन पे और दूसरे के अंदर बोलो क्या एन एस टू अटैच नहीं है तो मीन्स फर्दर ये सपोर्ट करने के लिए हम ये इक्वेशन को बताते हैं तो इसी चीज को एक्सप्लेन फर्दर किया गया बोलो कैसे डोव्स रिएक्शन के द्वारा मींस एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं लेबलिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज द डोव्स रिएक्शन डोव्स रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही है जिसमें हमने क्या किया डायरेक्ट वही हम दिखा देते हैं यहाँ पे जो हमने पहले लिया था उसी को ले लेते हैं रिएक्शन में क्या होता है सीएल को हटाना है OH लगाना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं लेते NAH लेते हैं या QH लेते हैं या विद ए स्पेसिफाइड कंडीशन मींस टेंपरेचर 623 होना चाहिए प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं चलती क्लोरोबेंजीन में क्योंकि क्लोरोबेंजीन वाले क्लोरीन के ऊपर देखो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आके वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है पहली चीज तो ये कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं दूसरी बात

आपके पोटासियम का साइज बड़ा है तो ये स्ट्रॉगर बेस होगा एन से तो इसको हमने ले लिया अब इसने देखो क्या किया उसी टाइप से ऑर्थो पोजिशन के ऊपर वो कार्बन जिसपे सीएल है उससे अगला कार्बन ऑर्थो कार्बन और्थो कार्बन के ऊपर जो एच है उस एच को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए ने, बेस उसी टाइप सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और अमोनिया लॉस होने के बाद एलिमिनेशन स्टेप थी कार्बन आयन जनरेट हो गया कार्बन आयन जो जनरेट हुआ वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को उस कार्बन की तरफ डोनेट करेगा उधर डबल बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड पहले से है तो एक बॉन्ड और बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होके सीएल एक इजी लिविंग ग्रुप है वो लॉस हो जाएगा वहां से सीएल एलिमिनेशन स्टेप है दोबारा से बेनजे बन गया इसको अब हम दो बार लिखेंगे उसी टाइप से अगली स्टेप में वो के अंदर से जो ओ एच अटैक करेगा पॉसिबिलिटी दो है या तो उस कार्बन के ऊपर जिस पे रेडियक्टिटी नहीं है या उस कार्बन के ऊपर जिस पे रेडियक्टिविटी है क्योंकि रिएक्टिव सेंटर कौन है रिएक्टिव सेंटर है बेंजेन के अंदर वो कार्बन जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज अ रिएक्टिव सेंटर तो रिएक्टिव सेंटर के ऊपर ही नेगेटिव अटैक करेगा तो रिएक्टिव सेंटर में दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन के ऊपर अटैक किया जा सकता है तो हमने पहले उस कार्बन के ऊपर अटैक होते हुए दिखाया जिसके ऊपर रेडियक्टिविटी नहीं है तो उस उस तरीके से कार्बन कार्बन के के पांच हो जाएंगे जो नेक्स्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से कार्बेनाइन जनरेट हो जाएगा कार्बेनाइन जो बन गया ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है अनस्टेबल स्पीसी है अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किस को डोनेट करे क्योंकि मीडियम में कौन है आपके पास वाटर है वाटर के अंदर ओएच बॉन्ड स्लाइट पोलर होता है इसलिए कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रोचार्ज डेंसिटी को वाटर के को OH OH एच को डोनेट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेरूज को डोनेट किए उस कार्बन को डोनेट किए जिसके ऊपर रेडिएक्टिविटी है तो डोनेट करने के बाद वहां पे क्या लग जाएगा ओ एच कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द एडजस्टेंट कार्बन एटम और इस तरह से कार्बेनाइन बन गया कार्बेनाइन फिर से इंटरमीडिएट है अनस्टेबल स्पीसी है रिएक्टिव स्पीसी है ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करेगा किसको डोनेट करे मीडियम में वाटर है वाटर के एच को और एच को डोनेट करने के बाद क्योंकि एच के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ओएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ ओएच OH नेगेटिव लॉस होगा और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन गया पैरामिथाइल फिनोल मींस ये दो प्रोडक्ट जो बने इसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया कि अगर बेंजीन बना होगा तो दो जगह अटैक करना कैसे एक्सप्लेन कर पाए कि एक बार तो ओएच OH ग्रुप उस कार्बन के ऊपर लग गया फाइनल प्रोडक्ट में जिस पे रिएक्टिविटी है जो पैरामिथाइल फिनोल बना है एक बार आपके एच OH, उस कार्बन के ऊपर लगा है जो मेटा मिथायल बना जिसपेटी नहीं है तो इस से ही थी, जिसकी हेल्प से हम नहीं होगी क्योंकि सिंपल अगर न्यूक्लियोफिलिकब्च्यूशन रिएक्शन इसमें चलती तो देखो मैं दोबारा से देखो यहाँ पे चला के दिखा दू लास्ट में तो देखो क्या होता कि हम उसी टाइप से देखो के पॉजिटिव होता ओ एच नेगेटिव होता ओ एच नेगेटिव जो कार्बन जिसके स्लाइट नेगेटिव चार्ज से बेंजीन वाला सी एल जिसपे स्लाइट नेगेटिव चार्ज तो ओ एच नेगेटिव किस पे अटैक करता ओ एच नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता बोलो किस चीज के ऊपर ये यहाँ पे

टेक्निक और ये एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन थी जो हमने लिया था ये रिएक्शन थी और पीछे वाली जिसमें हमने लिया था वो थी आपकी चीची बेबिन रिएक्शन और इस तरीके से हम करेक्ट मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द आइसोटोपिक लेवलिंग टेक्निक आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में थैंक यू